राधा स्वामी। आज हम एक दो ईयर की बेबी की नैपी बनाने की डाफ्टिंग बताने जा रही हूँ। इसे मैं दो फोल्ड लेती हूँ, बिकल कर लेती हूँ इसको। जो वन साइड है वो इधर रहेगा और फिर साइड इधर रहेगा। उसके लिए मुझे लंबाई 14 इंच लेकर निशान लगा देती हूँ और इसकी चौड़ाई 15 इंच, उसका 7.5 इंच आधा लेकर निशान लगा देती हूँ। इधर हमने 7.5 इंच लिया है, जोर से लेकर 2.5 इंच एक लाइन खींच देती हूँ 2.5 इंच की। इधर से जो 14 इंच लिया था पर्ची में 2.5 इंच लाइन खींच देती हूँ। इधर से भी 2.5 इंच लेते हैं। ये हमारी सीधी आएगी। इधर से हम 5 इंच लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। उसके बाद इधर से हल्का हल्का नीचे से सेव दे देते हैं। फिर इसे हम सात इंच इसको हम कट करते हैं। हमारी नैपी की डाफ्टिंग कट होकर इस तरह आ चुकी है। इसे हम लंगोट भी बोलते हैं। मैं आपको डाफ्टिंग को कपड़े पे रखकर बेबी की नैपी काटना बताऊंगी। उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए। ये बहुत ही कम कपड़े में बनकर तैयार हो जाती है और पैकिंग चाहिए और बेल दो चाहिए। अब कपड़े को हम उल्टी साइड से फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद ड्राफ्टिंग रखकर निशान लगाते हैं।
ये हमने बना ली है, तो हम कट करते हैं। हमने इसको कट कर लिया है, ये कुछ इस तरह से आई है। हम इसके चारों साइड पाइपिंग लगाएंगे ऐसे। ये हमें सीधे साइड से सिलना है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी सिलाई किस तरह आ रही है। इधर से हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको यहाँ से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। जिधर से होल साइड आएगा इसको हम सुई की नोक नीचे करके इसको हम कपड़े को सेट करके इस तरह से हम आगे लगाते हैं। ये हमारा लग के आ रहा है। इतनी हमारी यहाँ से इतनी हो चुकी है, थोड़ी सी हमारी रह रही है।
ये हमारी पाइपिंग चारों साइड लग चुकी है। ये इस तरह से आई है। हम यहाँ पर बेल ग्रो लगाएंगे इधर। हम बेल ग्रो को छोटी साइड उधर लगाएंगे और सीधी साइड ये वाला उधर लगाएंगे सेंटर में। आपको सीधे बता दूँ हमारे लग चुकी है। हम इसको इधर लगाएंगे। ये भी हमारी लग चुकी है। इसको हम बना हमारी बेल ग्रो लग चुकी है।
ये हमारी कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी है, हमारी रेडी हो चुकी है।